नमस्ते सभी को। मैं श्रीलेखा गणेश गट्टे, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पुणे विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में कार्यरत हूँ। मैंने UHV1 का वर्कशॉप जून 2021 में किया था। उसके बाद रिफ्रेशर और अप्रैल में मंथ ऑफ अप्रैल में UHV2 ऑनलाइन किया था। और फिर अभी रिसेंटली मुझे फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड करने का भी प्रयोजन हुआ। और पूरे वर्कशॉप को करने के बाद, मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप होने के बाद जो कुछ भी प्रपोजल्स थे उसके ऊपर मेरा सोचना हुआ। और हमने इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ लेक्चर्स लेने के लिए प्रिपरेशन भी किया था। और मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है। और मेरा उसके लिए काम शुरू है। UHV से जुड़ने का एक्चुअली लॉकडाउन के वक्त मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन इसका सर्च मेरा पहले से ही शुरू था कि जीवन के बारे में मुझे जानना था, मेरी क्यूरियोसिटी थी। तो UHV के वजह से मुझे वो समझना हुआ। तो मैं UHV का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी मेंटर्स के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड है कि और उन्होंने मेरी मेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स लिए हैं। और हम सब ही प्रयास कर रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। मेरा एक बेटा है, वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरे हस्बैंड IT में जॉब करते हैं। मेरे माँ बाप है, सास ससुर है, ननंद है। मेरे मायके में बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे जॉइंट फैमिली थी, अभी सब लोग अलग अलग रहते हैं। लेकिन फिर भी त्योहारों के वक्त या जब भी मौका मिले सब लोग एक साथ आते हैं और बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये जो UHV का प्रपोजल है वो मुझे ऐसे लगा कि मैं घर से ही शुरू करूं। मेरे घर से ही मैंने उसकी शुरुआत की है। मेरा बेटा अभी जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो एस्पिरेशन एंड कंसर्न्स फुलफिलमेंट, ये मैं उसके बारे में ही पहले सोचना शुरू किया, मेरे खुद के बारे में सोचना शुरू किया। और जीने में उसका कैसे मैं प्रयोग कर सकती हूँ इसके लिए सोचती थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों का जो प्रयोग था UHV1 में दिया था वो एग्जीक्यूट किया। बहुत सारे कबर्ड में कपड़े थे, मैंने कॉन्फ्रेंस में शेयर भी किया था। और पहले तो सोचा कि मैं इतने सारे कपड़े पहनती भी हूँ या नहीं, कितनी बार पहनती हूँ, उसका पूरा लिस्ट आउट किया और तय किया कि यही कपड़े मैं पहनूंगी, अभी नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, जितनी जरूरत है उतना ही मैं खरीदूंगी। और अभी आज तक UHV1 का वर्कशॉप करते हुए और आज तक मैंने मेरे जो पुराने कपड़े हैं उनको ही यूटिलाइज किया है और नए कपड़े का खरीदने का बंद हो गया है। उसकी वजह से शॉपिंग करना भी बंद ही है, मैं पूरा वक्त UHV को दे पा रही हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पा रहा है। उसी तरह घर में जो स्टफ थे, मतलब डेकोरेटिव पीसेस थे या फिर हम जो कुछ भी घर में लाते थे, बाहर घूमने जाते थे, अच्छा लगा लेके आए, तो मैंने देखा इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, उसे ऑर्गेनाइज करने में ही मेरा वक्त जा रहा है। और मैं मॉर्निंग सेशन या फिर जो UHV का या फिर जो मुझे करना है उसके लिए कहती थी कि मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तो उसका भी टाइम कैलकुलेशन हो गया। और मैंने सारे अनवांटेड चीजें जिनका कोई वैल्यू नहीं है उनको पूरा घर से निकाल लिया, फिर उसको यूज में लाया है, नया कुछ लिया नहीं है। तो ये सबसे मेजर शिफ्ट मेरा UHV1 में हुआ था। और फिर बाद में मैं जब सोचने लगी कि अभी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में मुझे ये लेक्चर्स लेने हैं UHV के, तो उनके प्रपोजल को जब देखती थी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है। फिर मैंने रिलेशनशिप को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश की। हमारे जो सैटरडे संडे
मीटिंग्स होते हैं उसमें भैया ने, उमेश भैया ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करवाया और मैं रिलेशनशिप को समझने लगी। उसी वक्त मैंने मॉर्निंग सेशन भी ज्वाइन किया हुआ था, उसका भी मुझे बहुत ही हेल्प हुआ एक्सप्लोरेशन के लिए। मुझे याद है मैं कैसे क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन कुमार भैया भी उतने ही शांति से जवाब देते थे। मुझे मेरे सारे प्रश्न याद है और उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, जो जो प्रपोजल आए उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। सबसे पहले तो मुझे डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन पे ही काम करना पड़ा। मुझे मेरी डिजायर्स ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो पहले एक्सपेक्टेशन से काम शुरू किया, फिर थॉट पे गई और फिर बाद में मुझे डिजायर्स क्लियर होने लगी। और ये समझ में आया कि मेरी सारी डिजायर तो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन बेस्ड है। प्री कंडीशनिंग वाली डिजायर्स तो मैं सॉर्ट आउट कर पाई कि ये प्री कंडीशनिंग बेस्ड है, लेकिन सेंसेशन वाली जो है, जैसे खाना खाना की है, टेस्टी फूड खाने की है, या फिर मेरी जो हॉबीज थी कि मुझे बेकिंग क्लास लगाना है या अलग अलग तरह का खाना बनाने की शौक है, तो उस प्रपोजल पे मैंने, उस बात पे मैंने सोचा कि ये डिजायर सही भी है या नहीं मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फैमिली के हेल्थ के लिए। और ये समझ पाई कि इतना सबकी तो जरूरत है ही नहीं, हमें तो हमारे बॉडी का पोषण करना है, शरीर का पोषण करना है। तो वो डिजायर्स मेरी हट गई, मतलब अभी मेरे दिमाग में वो बात भी नहीं आती है। नहीं तो मैं यूट्यूब पे, टीवी पे हमेशा वो कुकिंग के क्लासेस देख के घर में खाना बनाने की कोशिश करती थी और मेरा बहुत सारा वक्त उसमें निकल जाता था। तो मैं यूएचपी के बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ उस बात को। और भी ऐसे बहुत सारी मेरी डिजायर्स थी जिनको मैंने इवेल्युएट किया कि सच में इसका क्या अर्थ है, और मेरे माइंड में जो हमेशा बात चलती रहती थी, मुझे कुछ करना है कुछ करना है, वो पूरा उसको फुल स्टॉप लग गया है और मैं राइट वे से अभी सोच पा रही हूँ। अभी एकदम शांत महसूस होता है उस बात के लिए। जब मैंने यूएचपी का प्रपोजल, यूएचपी के रिलेशनशिप के अर्थ में लेना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए मैंने कहा कि मैंने घर से इसकी शुरुआत की है। तो सुबह उठ के ही मेरा चलता रहता था कि उठो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि अभी मुझे यूएचपी के मॉर्निंग सेशन अटेंड करने हैं, तो आपको कुछ काम खुद करने पड़ेंगे। और इनिशियली उनका रेजिस्टेंस था, हस्बैंड का रेजिस्टेंस था कि ये जरूरी है क्या करना ऐसे। तो मैंने कहा हाँ मुझे जरूरी है, आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या। तो उन्होंने सुबह का नाश्ता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मैं बहुत अच्छे से मॉर्निंग सेशन में ऑब्जर्वेशन कर पाई। मेरा ये ध्यान गया कि जब हम काम करते रहते हैं तो उतना अच्छा एक्सप्लोरेशन नहीं होता है, बैठना, बैठ के सोचने की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे वक्त दिया और उनका बहुत बहुत सहयोग है मुझे मॉर्निंग सेशन में एक्सप्लोर करने के लिए। और सही अर्थ में हमारा रिलेशनशिप भी अच्छे से बन पाया। मेरा बेटा सुबह स्कूल जाता है तो उसकी तैयारी करनी है, लंच बॉक्स टिफिन पैक करना होता है, तो वो खुद से करने लगा, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मेरा एक्सप्लोरेशन सही मायने में चलने लगा। और वो भी सुनते हैं, मतलब मोबाइल पे ऑन ही होता है तो वो भी सुनते हैं, मिस्टर भी सुनते हैं, और मेरा बेटा भी जितनी देर तक रहता है वो सुनता है। और मैं देख पाती हूँ कि उनके बिहेवियर में और मेरा खुद का उनके साथ के बिहेवियर में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है। कॉलेज में भी इसी तरह मेरा एक्सप्लोरेशन हुआ है कि गणेश भैया का एक बार एक सेशन हुआ था कि हम जो काम करते हैं उसी को ऑब्जर्व करना है, यूएचपी कुछ अलग तरीके से नहीं करना है, हमें काम करते हुए ही उसे ऑब्जर्व करना है। तो मुझे एमबीए का काम दिया था कॉलेज में और एग्जाम ड्यूटी भी थी और एग्जामिनेशन का वर्क था और फर्स्ट ईयर का करिकुलम भी शुरू था,
तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे कैसे काम कर पाऊंगी। मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि सब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी होगी। लेकिन फिर मैंने गणेश सर की बात सुनी, उसको ऑब्जर्व किया। मैंने एनबीए का काम करते वक्त जो लोगों का कोऑपरेशन चाहिए तो वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा था, तो पहले वो बात को मैंने सॉर्ट आउट किया कि अभी मैंने मुझे क्या करना है। मैंने उनके लिए एक शेड्यूल बना के उनको दिया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने देखा कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो सबसे पहले यूएचबी का वर्कशॉप, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप सभी लोगों को करवाया। 5 दिन एचओडी से बात की और कहा कि अगर हमें ये काम ठीक से करना है तो ये वर्कशॉप होना जरूरी है। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया और 5 दिन का वर्कशॉप होने के बाद विद इन 20 डेज में मेरा काम अच्छे से पूरा हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा, इम्प्लीमेंट किया और मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे आए और मेरा स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया उसकी वजह से। सब लोग कॉम्प्लीमेंटरिटी मोड में काम कर रहे थे, अपोजिशन में नहीं थे, समझ रहे थे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैं खुद के लिए इंट्रोवर्ट ज्यादा हो गई यूएचबी मॉर्निंग सेशन और यूएचबी फेस टू फेस वर्कशॉप के वजह से, कि मैं खुद को ऑब्जर्व करने लगी। मेरा जो मैं दिन भर जो काम करती हूँ कहाँ पे यूटिलाइज करती हूँ, मेरा वर्क जो है कहाँ पे यूटिलाइज होता है, मैं कैसे काम करती हूँ, मेरा फीलिंग क्या होता है, इसके ऊपर मेरा फोकस बनता रहा। आज भी है वो प्रैक्टिस, मैंने कंटिन्यू रखी है। तो जब भी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान गया तो कभी अपोजिशन का भाव आता था, कभी इरिटेट भी होता था, एंगर भी होता था। तो मैंने हर एक भाव को जब जब होता था उसको ऑब्जर्व किया और उसको इवेल्युएट करने का काम भी शुरू कर दिया। तो मैं बहुत शांत होने लगी, मेरा काम भी सही तरीके से होने लगा, बाहर देखना बंद हो गया। पहले बाहर देखना ज्यादा था, तो फिर मैंने खुद को ऑर्डर किया कि नहीं, मुझे खुद को देखना है बाहर, बाकी लोग क्या कर रहे उसको नहीं देखना है। और जब मैं खुद के ऊपर शिफ्ट हो गई तो मेरा काम आसानी से और कम स्ट्रेसफुल तरीके से होने लगा और मुझे एक शांति महसूस होने लगी वो करते वक्त भी। और कोई भी मुझे अप्रोच होता था, कोई भी बात मुझसे करता था, मैं शांति से रख पाने लगी, इरिटेशन कम हो गया उसमें। यही बात मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी लगी कि जब हम लेक्चर लेने जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है बच्चों में, तो पहले तो मैं इरिटेट हो जाती, चिल्लाने लगती थी, शांत बैठो ऐसे। लेकिन मैंने उनको भी वक्त दिया सेटल होने के लिए, खुद को शांत रखा, तो वो मैंने पाया कि बच्चे भी शांत हो रहे हैं, एक दो मिनट में भी वो शांत हो पा रहे हैं। और यूएचबी के प्रपोजल रखने के तरीके से, जो हम की पॉइंट्स रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं, उसकी वजह से तो मेरा लेक्चर लेने का, कंडक्ट करने का तरीका भी इम्प्रूव हो गया। और लेक्चर लिखते वक्त भी मैं खुद को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ उसको। पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती थी। क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स होते हैं तो मुझे लगता था कि इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट हो पाऊंगी मैं। तो अभी यूएचबी के बाद वो डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, अफेक्शन का भाव रख पाती हूँ। ये तो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन कॉलेज में अभी शुरू ही है, लेक्चर्स लेते वक्त और काम करते वक्त। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कहूँ तो मुझे हमेशा रिग्रेट होता था कि मैंने ऐसे निर्णय क्यों लिए। हमेशा सोचती थी मैंने ऐसा निर्णय लिया होता तो ऐसा होता, हमेशा वो बात चलती रहती थी दिमाग में और उसकी वजह से डिसहारमोनी में जाती थी। लेकिन जो यूएचपी में जो बात रखी गई है कि निर्णय कौन लेता है, तो मैं ही लेती हूँ, तो वो बात से मुझ में मेजर शिफ्ट आया। हमेशा मैं बोलती थी कि मेरे हस्बैंड को कि आपकी वजह से मैंने ऐसे निर्णय लिया, पिताजी की वजह से ऐसे निर्णय लिया और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से निर्णय लिया। लेकिन बाद में पूरा इवेल्युएशन होने के बाद मुझे समझ में आया, निर्णय तो मैंने ही लिया था, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो
इस बात से तो मैं बहुत ही शांत हो गई हूँ। अभी जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन की बात आती है तो रिएक्शंस कम हो गई है, जीरो तो नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है। जब भी रिएक्शन होती है तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका बैक मेरे पे को जो कुछ भी इम्पैक्ट है, मेरी प्री कंडीशनिंग है या फिर वो सेंसेशन बेसिस का मैं इवेल्युएशन कर पाती हूँ और उसको मैं सही तरीके से लेके रिस्पॉन्स तक जा पा रही हूँ। लेकिन एक क्षण आता है कि मेरे से रिएक्शन हो ही जाती है, तो मैं सोच में पड़ गई। एक दो बार ऐसे हो गया कि मेरी रिएक्शन मोड में चली गई और उसके दूसरे क्षण ही मुझे ऐसे लगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसे बात कैसे कह दी। फिर उसका भी मैंने इवैल्यूएशन किया, जिनके साथ रिएक्शन हुई थी उनके साथ भी बात बैठ के बात की कि दीदी भैया इन किन वजहों से मेरा ऐसे रिएक्शन हो गया। और उन्होंने भी, सभी लोगों ने अभी यूएचबी किया है कॉलेज में, घर में भी हस्बैंड और मेरा बेटा इस बात को जानते हैं, तो वो भी मेरे एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये रिएक्शन का जो है ना, तो उसका मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब इवैल्यूएशन करने का जो प्रोसेस है उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। निर्णय लेते वक्त संबंध का भाव देख पाती हूँ और सही निर्णय ले पाती हूँ। पहले थोड़ा सा ज्यादा सोचती थी, स्ट्रेसफुल रहती थी निर्णय लेते वक्त, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कॉम्पिटेंस और कॉम्प्लीमेंटरिटी के भाव रखते हुए मैं निर्णय लेती हूँ। जो कुछ भी निर्णय लेना होता है, एज एकेडमिक वर्क में एनबीए का काम हो या फिर एग्जामिनेशन का मॉनिटरिंग हो। विश्वास का भैया, आप, मैंने यूएचपी टू फेस टू फेस जब कर रही थी तो मॉर्निंग सेशन में आपने पूछा था कि विश्वास का भाव एंश्योर हुआ क्या, तो वो तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि नहीं, अभी तक विश्वास का भाव पूरी तरह से नहीं हुआ है और उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। अभी भी डाउट ऑन इंटेंशन बनता रहता है, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी मैं इवेल्युएट कर पा रही हूँ। यूएचबी के वजह से ही मैं पहले केयर के मोड में थी, अभी गाइडेंस के मोड पे शिफ्ट हो रही हूँ और इंस्ट्रक्शन देना बंद हो गया है। प्रपोजल के फॉर्म में रखती हूँ। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बेटे को मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन ही देती थी, लेकिन अभी मैं उसको प्रपोजल में रखती हूँ कि कितना पढ़ाई करना है, कितना खुद के ऊपर ध्यान देना है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, बाहर जाके एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, तो वो भी उसे प्रपोजल के तौर पे ले रहा है। और मेरा जो इरिटेशन होता था कि ये क्यों नहीं सुन रहा है, वो बात खत्म हो गई है, अभी मैं उसको प्रपोजल के साथ बात करती हूँ। और मेरा जो सेंसेशन का था कि मुझे खाने में बहुत टेस्टी फूड लगता है, तो हमेशा टेस्टी फूड नहीं मिला तो मुझे खाना नहीं होता है, तो मैं खुद खाना बनाती हूँ। लेकिन अभी ये पोषण के लिए है, ये बात समझने के बाद वो जंक फूड खाना या फिर जो अनहेल्दी फूड है वो टोटली बंद है। वैसे भी लॉकडाउन के बाद से बाहर खाने का पूरा बंद ही हो गया था, घर में बनाने का भी अभी कम हो गया है और हम प्रॉपर डाइट ले पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी अच्छे से हो पा रही है। मतलब प्रायोरिटी डिसाइड हो गई कि एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट मिले तो भी एक्सरसाइज करना है, लेकिन वक्त निकाल के करना ही है। अभ्यास 2 में हमने जो सीखा है कि मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान है उसको देखना है, संकेत है, संवेदना को देखना है। तो पहले तो मैं मैकेनिकली काम करती थी, अभी मैं पूरा काम करते वक्त खुद के ऊपर ध्यान देती हूँ कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, कैसे झुक रही हूँ, कैसे बैठ रही हूँ और सजगता पूर्वक काम करती हूँ। नहीं तो किचन में काम करते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ इंजरी होती थी, वो अभी बहुत ही कम हो गई है, मैं सजगता पूर्वक काम कर पा रही हूँ। और कभी कभी काम करते वक्त ध्यान भटक जाता था तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाती थी, नमक कम ज्यादा हो जाता था या फिर ठीक से नहीं बनता है,
या फिर हमारी जो मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से पैर मुड़प जाता, पैर में इंजरी आ जाती थी। तो मैं देख पाती हूँ कि जब हमारा ध्यान होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस क्षण हमारा ध्यान भटक जाता है, हम विचारों में चले जाते हैं, तभी ऐसा इंसिडेंस होता है। तो इसको भी मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ। सेल्फ और बॉडी, मतलब सेल्फ और बॉडी के तौर पे देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा उपवास करना या फिर एग्जर्ट करना नहीं होता है, तो उसके ऊपर मेरा काम शुरू है। भैया ने बीच में एक एक्सरसाइज बोली थी कि बैठना है और खुद को ऑब्जर्व करना है, तो वो मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैं सोच रही थी सब लोग कर रहे हैं, मैं मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर से एक दिन बैठ के ऑब्जर्व किया तो मेरे पैर में बहुत दर्द होता है बैठती हूँ, तो मैं नीचे बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की, रोज थोड़ा थोड़ा बैठने की प्रैक्टिस की, तो अभी मैं आधा एक घंटा पौना घंटा बैठ पाती हूँ। और मतलब इसमें एक्सरसाइज करना या फिर उसको ऑब्जर्व करना ही जरूरी है। पहले तो मैं पेन होता है इसकी वजह से ही नहीं बैठ पाती थी, अभी वो पेन को भी कैसे पढ़ना है, मतलब जो संवेदना आती है उसको कैसे पढ़ना है, उसको क्या अर्थ देना है, ये मैं तय करती हूँ और मैं कर पा रही हूँ। सेल्फ पूरे बॉडी में ऑक्यूपाइड है। ये जब प्रपोजल रखा, मतलब सेल्फ कहाँ पे है इसका जब प्रपोजल आया ऑब्जर्वेशन का, तो पहले तो लगता था कि वो हार्ट के पास है या फिर ब्रेन में है, कहाँ पे है, ऐसा मैं सोचने लगी। और मुझे उसकी अनुभूति हुई कि पैर के हमारे नाखूनों से लेके पूरे सिर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मैंने अनुभव किया। अभी भी सेल्फ और बॉडी सेपरेट है, अलग अलग है, इसका इसके ऊपर मेरा काम शुरू है। एक्सरसाइज 2 पे काम करना अभी शुरू ही है। एक्सरसाइज 1 के भी बहुत सारे प्रपोजल को मैं एक्सप्लोर कर ही रही हूँ। अभी कमिटमेंट की बात आती है तो मेरा यूएचवी के लिए कमिटमेंट है ही। मैं इंडक्शन प्रोग्राम में लेक्चर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेके बी तक के स्टूडेंट के लिए इंडक्शन प्रोग्राम थ्रू मैं ये प्रपोजल्स रखना चाहती हूँ, प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ, और प्रिपरेशन शुरू है। और सैटरडे संडे मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करके मैं खुद को डेवलप कर रही हूँ। हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन सेल एस्टेब्लिश हुआ है और उसके थ्रू पूरे कॉलेज के स्टाफ का यूएचवी करना है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रोग्राम जो है क्रेडिट कोर्स का शुरू करने का मेरा प्रयास रहेगा। वॉलेंटियरिंग के लिए कहूँ तो थोड़ा सा वक्त निकालना मुश्किल जा रहा है अभी तो, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ और आगे जाके, मतलब मेरे बेटे का 12th के एग्जाम के बाद मैं वॉलेंटियरिंग कर पाऊंगी। अभी थोड़ा सा ध्यान बेटे की तरफ ज्यादा है और यही मेरा कमिटमेंट है भैया यूएचबी के लिए। यूएचबी के गाड़ी में मैं बैठी हूँ और अभी उसी के साथ रहना है। धन्यवाद भैया। बहुत ही बढ़िया दी, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने एक एक स्टेप के साथ अपने जीने को जोड़कर कैसे ध्यान दिया है उस पर आपने बात रखी, बहुत ही सुंदर रहा।